बोलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है अपने जितने भी इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं हैं, जो लोग भी यहाँ पर सेलेक्टेड हैं अभी 18-19 के सत्र में, उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं। और सम्मान समारोह से जो सेलेक्टेड हैं उनका कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा नाम आशा सैनी है, मैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड से हूँ। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं करी, मैं सिर्फ हमेशा सेल्फ स्टडी पे डिपेंड थी। बट फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे अगर बढ़ना है तो मुझे कहीं से कोचिंग लेनी है। तो मैंने जैसे ही समृद्धि श्री समृद्धि क्लासेस के बारे में सुना, मैंने खुद ने सर्च किया, मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी पे, तो मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया फर्स्ट डे, मुझे लगा कि मुझे मतलब नहीं करना, मैं खुद कर लूँगी। बट जब मैं यहाँ आई क्लास ज्वाइन करने, तो मुझे यहाँ की जो स्टाफ है, पंचुअलिटी है, मतलब सब कुछ मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं फिर मेरी खुद की रेगुलरिटी हो गई। यहाँ मैं 20 किलोमीटर दूर से यहाँ आती हूँ सिर्फ ओनली अपनी क्लास के लिए, सब कुछ छोड़ के। और मैं जब यहाँ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि 2 घंटे कम है, 3 घंटे कम है, क्लास से धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो मुझे 5 घंटे भी ऐसे लगते हैं जैसे कि मैंने अभी 1 घंटा ही पढ़ा है। मतलब यहाँ के जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जिस तरीके समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को, मतलब तो उससे क्या है कि मेरे को जब मैं यहाँ आई थी मेरा 0 लेवल था, आज मुझे लगता है कि शायद मैं जो 1 साल से स्टडी कर रहे हैं उनके लेवल के बराबर, शायद हो सकता है मेरी मतलब लक हुआ तो मैं ये एग्ज़ाम फाइट कर सकती हूँ। और बाकी समृद्धि क्लासेस के बारे में तो काफ़ी बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है, जो कहो वो कम है। श्री समृद्धि क्लासेस सुपर, तो थैंक यू। मेरा नाम मुकेश श्रीमाल है, मैं यहाँ लाइब्रेरी क्लास की कोचिंग करने के लिए आया था। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता हूँ, लेकिन जब मुझे इस कोचिंग का नाम पता चला और जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, और जो मैं चाहता था उससे मुझे कुछ यहाँ पे अधिक ही मिला। मुझे मैम ने भी कोऑपरेट किया, हर चीज़ के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई, नोट्स भी टाइम टू टाइम दिए गए, टेस्ट भी लिए गए, यूनिट पढ़ाने के बाद हमेशा टेस्ट लिए जाते थे और बच्चों को मार्क्स भी सुनाए जाते थे ताकि उनको पता चले कि किस हिसाब से यहाँ पर क्या चल रहा है। और मैं इस कोचिंग का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस कोचिंग से मेरे जो भी डाउट थे वो ऑल क्लियर हुए हैं और आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू। माय नेम इज़ सुनील काधोटिया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर फ्रॉम महाराजा कॉलेज। मैं पिछले 2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करता हूँ। मैं ओनली ऑनलाइन कोचिंग ही में बिलीव करता था, लेकिन मुझे लाइब्रेरियंस का कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने है ना ऑनलाइन सर्च करके अस्तित्व का नाम देखा और फिर सर्च किया, तो फिर मैंने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की। मुझे ये क्लासेज बहुत पसंद आई। यहाँ का जो टीचिंग मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन है, और यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छी दी जाती है। किरण मैम और ज्योत्सना मैडम द्वारा यहाँ श्री समृद्धि क्लासेस जयपुर में अच्छा कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें विनीता मैम चौहान लाइब्रेरी साइंस के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जो रेगुलर क्लास लेते हैं, और बहुत ही अच्छा हमें सीखने को मिला। ऑल ओवर सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने भी एग्जाम में बहुत झटके खाए हैं, मैं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बुक नंबर का सबसे बड़ी बात बता दूँ, मैं 3-3 घंटे सो के तैयारी की है। एक बुक नंबर का बड़ा महत्व होता है, इसलिए मैंने इस बार सोचा पहले से कि गलती नहीं हो। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा एक साथी था कि एक लाइब्रेरी का कोर्स होता है वो अपन भी दे सकते हैं, तो मैंने वो डिग्री की और मैं भी उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कोई हंसी की वक्त बताएगा, मैं उन विनीता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को गाइडलाइन करती है। मैं उनका आज भी रिस्पेक्ट है, मैं उनको 11 बजे मैसेज लिख के भेजता हूँ कि मैडम ये क्वेश्चन नहीं आया, तो वो मॉर्निंग में मेरे को उसका आंसर भेजती हैं। मैं आज यहाँ उसकी कमी महसूस कर रहा हूँ। एक बात इस कोचिंग की, मैंने खूब कोचिंग देखी है, लेकिन जहाँ अनुशासन देखा मैंने इस कोचिंग का,
टीचर आता है नहीं आता है आपने देखा है, उसे अपनी फीस या उसे अपनी उससे मतलब होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि बच्चों का सिलेबस हो या नहीं हो। लेकिन मैंने इस कोचिंग में देखा है कि कंटिन्यू हमारा, मैं एक महीने का हमारी छुट्टी लेके आया हूँ, मैं कैसे भी करके अरेंजमेंट करके आए हम दो टीचर हैं, तो हमने सोचा भी नहीं था। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ शाम को जो कैसे भी करके कि आगे बढ़ती रहे हड़ताल, ये पढ़ता हूँ तो शाम को ये टेंशन रहती है कि कहीं कोचिंग बीच में ना रह जाए। मैं मैडम से कहता था कि मैडम छुट्टी मत करना, तो मैं अभी उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मैडम आज झुंझुनू गए हुए हैं, तो मैडम कहा आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो मैडम ने कहा कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी है, आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। और यही कहूँगा कि आप लोगों का और मैडम का मेरे को बहुत बहुत सहायता मिली है, गाइडलाइन मिली है, आगे तो अब मेरे को करना है। प्लस 3,000 रुपये आने जाने का या 5-7,000 रुपये जो अपने रूम का अकोमोडेशन का लगता है, वो ऊपर से अपने गार्जियन की एक्सपेक्टेशन है जो वो अलग से है। कब तक हम एनटीपीसी पटवार कुछ भी है कब तक करेंगे, कभी ना कभी तो एक दिन एंड आएगा ही, उस दिन घरवाले कहेंगे यार तू प्राइवेट पकड़ ले खेत में चला जा, कभी तो अपना एंड आएगा ही। आज जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ, कोई अलग नहीं है। मैडम आपकी जो भी आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले वाले दिन आया था मेरे पास 500 रुपये नहीं लेके आया था, मैं भूल गया था, तो मैडम ने बोला उसका इनाम देना है अपने को सेलेक्ट करके, अगले इस बार इन भाइयों का हुआ अगली बार इनकी जगह कौन होंगे। और मैडम के यहाँ कोचिंग में आने का शुभ समाचार ये हुआ, मेरा टेक्निकल हेल्पर सेकंड में भी सिलेक्शन हो गया श्री और समृद्धि दोनों से जुड़े हुए हैं, श्री और समृद्धि दोनों से जुड़े हैं, और विनीता और किरण ये दोनों नाम जो है आपको चमकाते ही रहेंगे। एक माँ जननी होती है जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ किरण मैडम और विनीता मैडम है जिसकी आज हमें विनीता मैडम की तो कमी ऑब्वियसली कर रही है। मैडम आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अस्तित्व करने का, तो थैंक यू। पहले दिन जब बोलती हूँ 8,000 के लिए ना बड़ा दुखता आज फील हो रहा है, हकीकत में उन 8,000 पे हम 8,00,000 बनाने में देर नहीं करेंगे, ये वादा था मैडम। ये आप तभी भी याद रखना, जो अच्छी कोचिंग होती है ना वो कभी फीस के मामले में स्ट्रिक्ट रहती है, वो कभी फीस उस कम नहीं करती, और जो ऐसे कोचिंग चलाते हैं खूब चलाते हैं उनको बच्चों से मतलब रहता है। मैडम को ये पता नहीं है कि अपने पास बच्चे लाने जो फीस कम करें, फालतू की भीड़ भरने से उनको कोई मतलब नहीं है। और मैं वैसे पास मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मेरा गाँव पास में है मनोरपुर, मेरे पापा थोड़े वैसे गरीब परिवार से, लेकिन उन्होंने मेरे फैमिली ईयर से होने से मेरे को पहले CBSE स्कूल में डाला, फिर मैंने 10-12 CBSE से किया, फिर मैं भवानी निकेतन से BSC किया, लेकिन मैं खुद के हौसले नीचे रहने से कुछ भी समझ लो अपने जल्द लाइन में चला गया था। फिर मैं अभी 8-9 महीने गाँव में रह के आया हूँ, पहले मैं 8 साल से जयपुर में ही था, तो गाँव गया तो मुझे वहाँ की सिचुएशन पता चली कि एक तो सक्सेस हुआ हुआ बंदे उसके पीछे कितनी भीड़ होती है, और एक अनसक्सेस होता है उसके पीछे क्या हाल होता है। तो मैं ज़्यादातर अरे ये लड़का क्या करता है कुछ नहीं करता ऐसे ढोल क्या है घर वालों को तो इसने बर्बाद कर दिया। तो फिर मेरे कोई दोस्त है जो प्रताप यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन से कार्य करता है, तो उसने मुझे बताया कि सबसे अलग है लाइब्रेरियन का कोर्स करवाया उसने, पिछले साल मैंने एडमिशन लिया था। फिर मैडम के पास आया, फिर मैं सोचा लाइब्रेरियन में तो अपने कुछ आता ही नहीं, तो फिर मैंने फर्स्ट यूनिट नहीं की, सेकंड यूनिट मुझे ऐसी समझ में आई कि मैं उसको भूला ही नहीं।
पहले मैं सोचता रहा यार अपन रट के एग्जाम पास आउट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी चीज़ के पीछे, तो जब अपन उस कॉन्फिडेंस को हासिल कर लेते हैं तो अपन को मुकाम अक्सर मिल ही जाता है। थैंक यू।